आएगा जनमन। बहुत सारे बच्चे सुबह से सीएसईबी की वेबसाइट पे जाकर के परेशानी में है, क्योंकि वेबसाइट जोसा के साथ साथ सीएसईबी दोनों के एक साथ वेबसाइट सुबह से क्रैश हो चुकी है। अब से 5 मिनट पहले सीएसईबी की वेबसाइट वापस से इनेबल हुई है और बच्चे वैकेंसी सीट को लेकर के कंफ्यूज हैं। हालांकि बच्चों में कितनी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में किस किस एनआईटी में किस किस कैटेगरी में होम स्टेट या अदर स्टेट से सीटें खाली हैं, ट्रिपल आईटी में कहां पर सीटें खाली हैं कैटेगरी के हिसाब से और जीएफटीआई में भी कहां पर कैटेगरी के हिसाब से सीटें खाली हैं, इसको लेकर के बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है। इसलिए मॉर्निंग से, क्योंकि वैसे तो ये बोला गया था, जो प्रीवियस शेड्यूल दिया था उसमें बोला गया था कि 29 जुलाई के शाम 5 बजे के बाद कभी भी वैकेंसी सीट सीएसईबी की वेबसाइट पर रिलीज कर दी जाएगी। उसको अपडेट किया, बोला गया 30 जुलाई यानी कि आज मॉर्निंग 10 AM सुबह 10 बजे सीएसईबी की वेबसाइट पर सारी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन सुबह से ही वेबसाइट क्रैश थी और अब से कुछ देर पहले वेबसाइट वापस से स्टार्ट हुई है। मैं आप सबको एक अपडेट देता हूं, जब भी वैकेंसी सीट पोजीशन आएगी, हो सकता है मेरे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के कुछ देर में ही आपकी वैकेंसी सीट आ जाए, कितनी सीटें खाली हैं, जब भी वैकेंसी आएगी सीटों के हिसाब से कितनी एनआईटी में जीएफटीआई में सीटें किस किस कैटेगरी में होम स्टेट अदर स्टेट की ऑल इंडिया कोटे से खाली है, पूरी पीडीएफ आने वाली है। लास्ट ईयर भी ये पीडीएफ करीबन 70-80 पेजेस की रहती है, कई बार ज़्यादा पेजेस की भी पीडीएफ होती है, क्योंकि 32 एनआईटी हैं आपके, ट्रिपल आईटीज हैं और फिर जीएफटीआई हैं, टोटल मिलाकर के 98 कॉलेजेस की वैकेंसी आएगी। तो 98 कॉलेजेस की जो वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी सीट आएंगी, वैकेंसी सीट आएंगी, वो होम स्टेट, अदर स्टेट, कैटेगरी सबके हिसाब से अलग अलग आएंगी। इसलिए करीबन 90-80 पेजेस की पूरी रिपोर्ट आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कितने एनआईटी ट्रिपलाईटी में सीटें कहां कहां पर वैकेंट है। अमूमन तौर पर ऐसा देखा जाता है करीबन 10 से 11,000 के आसपास सारी कैटेगरी मिलाकर के होम स्टेट, अदर स्टेट से एनआईटी ट्रिपलाईटी और जीएफटीआई की सीटें वैकेंट रहती हैं। लेकिन मैं आप सबको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, यह वैकेंसी सीट केवल एक आइडिया आपको देंगी कि जोसा में इतनी सीटों पर इन इन कैटेगरी में इन इन कॉलेजेस के अंदर कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है, यानी इन ब्रांचेस को इंडिया में किसी भी बच्चे ने जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ब्रांचेस को फिल ही नहीं किया। केवल ये दिखाएंगे कि वैकेंसी सीट इन इन कॉलेजेस में खाली है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आपको सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का जब ऑप्शन दिया जा रहा है तो वैकेंसी सीट को केवल एक टेंटेटिव आइडिया लगाने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतनी सीटों पर कोई अलॉटमेंट जोसा में कैटेगरी वाइज या होम स्टेट अदर स्टेट वाइज हुआ ही नहीं है। मैं हिंट आपको दे देता हूं, करीबन 10,000 के आसपास सीटें वैकेंट आएंगी, उनमें से करीबन 5,000 के आसपास, 6,000 के आसपास एनआईटी की सीटें खाली आएंगी, करीबन 2,000 के आसपास ट्रिपल आईटी की और 2-3,000 के आसपास मैक्सिममली जीएफटीआई की सीटें वैकेंट आने वाली है। उसमें से भी ज्यादातर सीटें एससी एसटी कैटेगरी की खाली आने वाली हैं और उसमें से भी होम स्टेट कोटे की सीटें ज्यादा से ज्यादा वैकेंट आएंगी। इसलिए वैकेंसी सीट को लेकर के आप एंग्जाइटी में हैं, आप उसके लिए चिंतित हैं, वरी है, कंसर्न रखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अपने कॉलेज का सीक्वेंस प्लीज आप अभी से बनाना चालू करिए। वैकेंसी सीट जब भी डिस्क्लोज होगी, जैसे भी आएंगी, कितनी सीटें किस किस कॉलेज में खाली है, हम थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे देंगे, लेकिन वो ब्रीफिंग के बेसिस पर केवल ये आइडिया लगाना कि हम उन्हीं कॉलेज की ब्रांचेस को भरेंगे, आप गलत कर दोगे। आप अपने कॉलेज के सीक्वेंस को प्लीज बनाना चालू करिए। वैकेंसी सीट केवल एक आइडिया आपको देगी कि इतनी सीटों पर कोई अलॉटमेंट जोसा में हुआ ही नहीं है, लेकिन हमने आपको पहले बताया अपग्रेडेशन होगा, उस बच्चे की सीट खाली होगी, भले वो वैकेंसी सीट में नहीं आ रही होगी। इसलिए हर एनआईटी की, हर ट्रिपलाईटी की सॉरी, और हर जीएफटीआई की सीट भरने का ऑप्शन एस पर जोसा आईआईटी हटा करके आपको मिलने वाला है। तो प्लीज वेबसाइट पे जैसे ही अपडेशन आएगा, मैं इस चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। जैसे अभी सीएसईबी की वेबसाइट स्टार्ट हुई, हमने कम्युनिटी में डाल दिया कि वेबसाइट अब इनेबल हो चुकी है, अब से 10-12 मिनट पहले वेबसाइट का एक्सेस चालू हो चुका है, बच्चे परेशान थे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये कि वैकेंसी सीट को लेकर के कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जैसी आएगी बताएंगे, लेकिन केवल और केवल वो टेंटेटिव आइडिया है क्योंकि सारे कॉलेज के ब्रांच बनने का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। तो जाइए कॉलेज का सीक्वेंस सही बनाइए, जो समय कोई सीट मिल चुकी है उसको सही कंपेरिजन करिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो सा की मिली सीट आपकी सबसे
लास्ट में आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में काउंट की जाएगी और जितनी ब्रांच आप भरेंगे वो आपकी अपग्रेडेशन में आगे सीसे में जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।